अब दोस्तों घर में आलू के समोसे बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन घर में जब बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो इतने सारे लोगों के लिए समोसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो आज मैं आपको ये रेसिपी दिखाती हूँ जिसमें समोसे वाला टेस्ट तो आपको आएगा ही, लेकिन चाय के साथ बहुत आसानी से थोड़े से ही आटे से बहुत सारे बना लोगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले दोस्तों हम समोसे का आटा लगा लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1/2 चम्मच नमक ऐड करूंगी, 1/2 चम्मच हम अजवाइन को हाथ से क्रश कर डालेंगे, 1/4 चम्मच होता है ना उसके हमने 7 चम्मच इसके अंदर डाले हैं ऑयल। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, मैंने ऑयल डाला है। इन सारी चीजों को अच्छे से हाथ से रगड़ रगड़ के मिलाएंगे आटे के अंदर, और तब तक मिलाएंगे जब तक हमारे आटे की मुट्ठी में बन ना जाए आटा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमारा आटा मुट्ठी में बन जाएगा, तब तक हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसके बाद मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा ही डालकर इसको मिलाना है। पानी अगर ज़्यादा हो गया तो आपके समोसे खस्ता नहीं बनेंगे, इस बात का ध्यान रखें पानी बहुत थोड़ा थोड़ा कर मिलाएं। और आटा अच्छे से जब मिल जाए तो अच्छे से उसको रगड़ाई करके उसमें अच्छा सा डो तैयार करना, एक सॉफ्ट सा, आप देख सकते हैं इस तरीके से कम 1/2 घंटे के लिए हम इसको गीले कपड़े से कवर करके रख देंगे। आलू की स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं, जिसमें हमने एक बड़े आलू को बॉईल करके कद्दूकस से घिस लिया था, हमने बिल्कुल बारीक वाले कद्दूकस से घिसा है, इसको मोटी तरफ से हमने नहीं घिसा है, ताकि जितना बारीक होगा उतना अच्छे स्टफिंग होगी आलू की, तो आप इसी से करिएगा। आलू हमने ले लिया है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं बारीक, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो। 2.5 से 3 चम्मच हम डालेंगे इसमें अरारोट। अरारोट डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आलू की स्टफिंग में जो भी मॉइस्चराइज होगा वो ख़त्म हो जाएगा और आलू बाहर नहीं निकलेगा समोसे से, इसलिए इसको डालना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। हम इसकी 3 लोई तैयार करेंगे इस तरीके से, हमने एक लंबी शेप कर ली है और इसकी बराबर बराबर 3 लोइयों को तोड़ लेंगे। 3 लोई हमारी तैयार हो गई हैं, अब 1 लोई लेंगे, उसको चकले बेलन पर रखकर इस तरीके से हम बड़ी रोटी की तरह इसको बेल लेंगे। इस पे ना हमें सूखा आटा लगाने की ज़रूरत है ना तेल लगाने की ज़रूरत, ये इस तरीके से ही बिल जाएगा अच्छे से। हम इसको बिल्कुल बारीक बेलेंगे जैसे हमारी रोटी बनती है इस तरीके से। अब हम एक छोटी सी कटोरी या ढक्कन, आप कुछ भी ले सकते हैं गोल चीज़, इसको बीचों बीच रख के, और जो आलू की स्टफिंग हमने तैयार करी है उसको चारों तरफ से लगाएंगे इस तरीके से। इसको घुमाएंगे, दूसरी साइड लगाएंगे, हमें किनारों तक लगानी है इसको, चारों तरफ से अच्छे से लगा लेंगे और इस तरीके से फिर हम इसको ढक्कन को हटा देंगे, और जो ये बीच में हमारी जगह बची हुई है इसके अंदर हम पानी लेंगे और थोड़ा सा पानी लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी क्यों लगाएंगे, ये हम आगे चलकर आपको बताएंगे। इसको छुरी से हम काट लेंगे, हमने इसको 2 भागों में कर लिया है, इसको फिर हम 4 भागों में कर लेंगे, और इस तरीके से हम इसके भाग बढ़ा देंगे। हम इसमें से 1 रोटी में से 16 टुकड़े कर लेंगे बराबर बराबर, आप देख सकते हैं इस तरीके से। हमारी 1 रोटी से 16 समोसे तैयार हैं, समोसा रोल। इस तरीके से हमने सारी चीज़ों को काट लिया है। अब हम इस तरीके से 1 टुकड़े को लेंगे
दोनों नोकों की तरफ से उसको पकड़ के खींचेंगे हल्का सा, और इस तरीके से हम रोल करते चले जाएंगे, और एंड में आकर जो हमने पानी लगाया था ना उसको अच्छे से हम इसको चिपका देंगे ताकि ये रोल खुले नहीं, और इस तरीके से ये तैयार हो जाएंगे। हम इसी तरीके से सारे रोलों को तैयार करेंगे, दोनों नोके पकड़ेंगे, उसको हल्का सा हमें खींचना ज़रूर है, और इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और जो नोक पे हमने पानी लगाया था उसको हम फिर दबा देंगे ताकि वो खुले नहीं, और इस तरीके से हम रोल तैयार कर लेंगे सारे। बहुत आसान है रोल बनाना, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप देख सकते हैं मैंने 3 रोल बना लिए हैं, और इस तरीके से हमने सारे रोलों को तैयार कर लिया है। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम एक करछी लेंगे, उसको इसमें रखेंगे, और इसके ऊपर हम सारे रोल रखेंगे जितने आ जाएंगे करछी के ऊपर। हमें एक साथ कढ़ाई के अंदर रोलों को नहीं डालना है, हल्का सा हम फ्राई करेंगे करछी में रख कर, और फिर इसको इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से। हल्के से फ्राई हो गए हैं तो हम करछी को बाहर निकाल लेंगे, बाकी रोलों को भी हम इस तरीके से डालेंगे, करछी पे रखेंगे, इससे हमारे रोल चिपकेंगे नहीं कढ़ाई से इस तरीके से। हल्के से जब हमारे फ्राई हो जाएंगे तो हम करछी को बाहर निकाल लेंगे, हम सारे रोलों को इस तरीके से ही डालेंगे, और हमने जितने भी रोल तैयार करे हैं एक ही बारी में हमारे सारे रोल फ्राई हो जाएंगे। आप देख सकते हैं बीच बीच में हम इनको ऊपर नीचे कर देंगे ताकि अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई हो जाएं। बीच बीच में हम रोलों को चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से सिकें। रोल हमारे फ्राई होने पर आ गए हैं, आप देख सकते हैं कलर इनका चेंज हो गया है, हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम सारे रोलों को बाहर निकाल लेंगे और इसको प्लेट में सर्व करेंगे। हमारे सारे समोसे तैयार हैं। देखने में तो बहुत सुंदर बने हैं, अब खाने में टेस्ट करके बताएंगे हम आपको कि समोसे का टेस्ट कैसा है। इसको हम टोमेटो सॉस के साथ सर्व करेंगे। एक रोल हम आपको तोड़कर दिखाते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं, आप देख सकते हैं। इसको टेस्ट करते हैं, टोमेटो सॉस लगा के आप इसको ज़रूर खाएं, और एकदम परफेक्ट बने हैं। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.